इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूफियान आडिया साहब, जो कि कल आबाद में वॉइस जो है SR की अहदे पर फाइज हुए हैं। तो पहले तो मैं अपनी टीम की जानिब से और अपनी जानिब से सूफियान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। जी कैसे आप खरीद, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ भाई माशाल्लाह आज कुतियाना मीमन कम्युनिटी की तरफ से, और बड़ा हेल्थी टूर्नामेंट रखने जा रहे हैं। और आज जैसे यहाँ ऑक्शन है, प्लेयर्स का मैं देख रहा हूँ बड़े लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पे, और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, जैसे 100 पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कैपिंग भी रखी हुई है कुछ, तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है को 12,000-14,000 पॉइंट के ऊपर कोई एक एक टीम को कैपिंग दी हुई कि उसके अंदर अपनी पूरी टीम को 18 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। तो बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ कुतियाना मेमन कम्युनिटी का, और बड़ा हेल्दी टूर्नामेंट रखा हुआ है। मैं कहता हूँ इस टूर्नामेंट्स होने चाहिए हर कम्युनिटी को, दूसरे मेमन कम्युनिटीज़ के अंदर भी इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, और आजकल कर भी रहे हैं, मेमन फेडरेशन वाले भी कर रहे हैं, और मेमन सुपर लीग भी हुई है। तो ये बड़ा ट्रेंड आ रहा है, और हेल्थी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, प्लस इसी के अंदर से जो यंग जनरेशन है कराची की और मेमन कम्युनिटी के लड़के हैं, वो आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी अच्छी लीग्स खेल सकते हैं, इंटरनेशनली जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लोगों को खेलने के मौके मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरीके के इवेंट्स को हमें आके सपोर्ट भी करना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए, एज एन एसोसिएशन भी, एज एन इंडिविजुअल भी, और एज अ कॉज भी। तो आई विश बेस्ट ऑफ लक टू कुतियाना मेमन सुपर लीग, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और आगे भी इसमें से अच्छे नए टैलेंट हंट हो और नए प्लेयर्स आएँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जाके भी खेले इंशाल्लाह। अच्छा सुफियान साहब, चूँकि कल आप चेयरमैन SR आबाद के लिए मुंतखब हुए हैं बहुत छोटी सी उम्र में, तो क्या समझते हैं कि आप खेल के मैदान में खुद आगे आना चाहते हैं, या आप शौक़ रखते हैं खेलने का क्रिकेट मैच? पहली बात तो ये है कि चेयरमैन SR मैं बिल्कुल मुंतखब हुआ हूँ आबाद की तरफ से, और ये हमारे आबाद की लीडरशिप है, सीनियर मेम्बर्स हैं जिनने जिम्मेदारी दी है, और जो समझते हैं कि ये मैं इसका अहल हूँ, तो उनका ट्रस्ट का, उनके कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने आबाद में काफ़ी टाइम सर्व किया एज एन कन्वीनियंट लीगल, और आजकल जिससे हमारे लीगल मामला आबाद के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और बड़े सेंसिटिव तरीके से हैं, उसको बहुत रेगुलरली परसू भी करना पड़ता है। एज एन क्रिकेट बिल्कुल शौक बहुत है, खेलना भी चाहूँगा, मगर पिछले 5 साल से सुप्रीम कोर्ट हमारी जान छोड़े तो हम खेलें, पहले 3 साल पहले साकिब निसार साहब ने बैन लगा दिया, फिर गुलजार साहब आए तो इनने कन्वर्टेड प्लॉट पर बैन लगा दिया, अब नस्ला टावर का इशू आ गया। तो दुआ करते हैं ये मामला कोई हल हो तो आगे क्रिकेट भी खेलें। अच्छा सुफियान साहब, चूँकि दी मेमन TV आज जो KCL Season 2 का मीडिया पार्टनर भी है, और आगे भी जो क्रिकेट टूर्नामेंट होगा उस हवाले से भी जाहिर है हम इंशाल्लाह मीडिया पार्टनर ही हैं, तो कुछ दी मेमन TV के लिए और अली गोडेल साहब के लिए कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह अली भाई ने बड़ा अच्छा अपने आप को मेमन TV को प्रमोट किया है। मैं अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ था, नया नाजमाबाद में, वहाँ भी क्रिकेट के इवेंट को कवर करने आए हुए थे, आज कुतियाना मेमन लीग को भी कवर कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मेमन सुपर लीग के अंदर भी मैंने देखा माशाल्लाह थे। अभी मुझे अली भाई ने बताया वो MLF का भी एक टूर्नामेंट हो रहा है माशाल्लाह, उसको भी 10 तारीख है, उसको भी कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से लोग मार्केट में आए हैं, और अपना मेमन TV का जो नेटवर्क है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू अली गोडेल कि वो आगे मज़ीद अपने चैनल को प्रमोट करें और मेमन कम्युनिटी को आगे प्रमोट करें, क्योंकि मेमन प्लेटफॉर्म मीडिया के अंदर इतना नहीं था जो कि अब इस मेमन TV की तरफ से आगे आ रहा है। थैंक यू सर।